नमस्कार दोस्तों, ट्रेड इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुभाष हल्दा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आईटीए फर्स्ट ईयर नेमी क्वेश्चन सेट को, या मॉड्यूल 6 है। आज का टॉपिक है हमारा एसी परिपथ। ठीक है, पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले, 50 हर्ट्ज आवृत्ति, 0.8 शक्ति गुणांक है। तो घी कितना दिया हुआ, घी दिया हुआ है 240 वोल्ट, आई दिया हुआ है करंट 5 एम्पीयर, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और कॉस फाई जीरो पॉइंट एट। ठीक है, तो वी इक्वल टू आई जेड, जेड क्या है, प्रतिबाधा। तो वी कितना दिया हुआ, 240 इक्वल टू आई दिया हुआ 5 एम्पियर, जेड जेड इक्वल टू हो जाएगा 240 बाय 5। इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, 48। तो कोश 5 इक्वल टू कोश 5 इक्वल टू आर बटे जेड। तो कोश 5 कितना है, 0.8 इक्वल टू आर, हम लोग को निकालना है रेजिस्टेंस प्रतिरोध, जेड कितना निकला, 48। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 0.48 इंटू 48। इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, 38.4। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 38.4। अगला क्वेश्चन, सब्सटेंस की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांद्रिता मान में कमी करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीन कला मतलब थ्री फेज, ठीक है, थ्री फेज प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार संयोजित प्रणाली में तीन कला थ्री फेज संतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीन कला मैंने थ्री फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार प्रणाली में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा 16 एम्पियर है, 0.8 शक्ति गुणांक पर है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति मतलब एपिरेंट पावर। ठीक है, थ्री फेज का इसका सूत्र क्या है, आभासी शक्ति इक्वल टू एपिरेंट पावर इक्वल टू √3 VI। ठीक है,
पावन, ठीक है। तो रूट थ्री का मान कितना है? 1.732 इंटू भी कितना दिया हुआ है? 415 वोल्ट। 715 वोल्ट और करंट कितना है? 16 एम्पीयर, ठीक है 16। तो इसको हम लोग सॉल्व करने से कितना आएगा? 1500 वोल्ट। वोल्ट में हम लोग को चाहिए केवीए में, केवीए में क्या हो जाएगा? 1.5, ठीक है के वी ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11.5 के वी ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन कला माने थ्री फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? तो इसका सही आंसर है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अधिकतम वोल्टेज निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज MAX, ठीक है, इक्वल टू VRMS, ठीक है, बाय 0.707, ठीक है। तो VRMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ठीक है, इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वी आर एम एस कितना दिया हुआ? 240 बाय 0.707। इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा? 339.5 वोल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसी परिपथ में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PR इक्वल टू GI साइन थीटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, R इक्वल टू 5 ओम, XL इक्वल टू 36 ओम एंड XC इक्वल टू 24 ओम है, तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो प्रतिबाधा Z इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना दिया होगा? आर दिया होगा 5 ओम, तो रूट अंडर फाइव स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना दिया हुआ? 36 माइनस सी 24 ब्रैकेट
स्क्वायर, ठीक है, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इसको ऐड करने से कितना हो जाएगा, 12। सो माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, सो माइनस करने से कितना हो जाएगा, प्लस, माइनस करने से हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर। तो 25 रूट अंडर 25 प्लस 1, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 169। तो 169 का कितना हो जाएगा, 13। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तीन कला शक्ति माने थ्री फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एकल कला आरसी समानांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IL इक्वल टू रूट IR स्क्वायर माइनस IC स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संधारित्रों को समांतर में जोड़कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा और फेज धारा के बीच क्या संबंध है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IL इक्वल टू रूट 3 IP। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कला सीक्वेंस माने फेज सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थ्री फेज प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। तीन कला शक्ति माने थ्री फेज पावर माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के एफ आर एम एस मान बटे औसत मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एसी समानांतर परिपथ में धारा के कुल अवरोध के रूप में इस वैद्युतिकी शब्द से परिभाषित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडमिटेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस एसी परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच का कला संबंध होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध एवं प्रकत्व परिपथ। अगला क्वेश्चन। तीन कला माने थ्री फेज प्रणाली में सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 किलो वोल्ट एम्पियर है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्टिव पावर कितना दिया हुआ, एक्टिव पावर सक्रिय 4 किलोवाट, अपीयरेंस पावर दिया हुआ 5 किलोवाट किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है,
क्या निकालना है? रिएक्टिव पावर, ठीक है, प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो इसका फॉर्मूला है रिएक्टिव पावर का, रिएक्टिव पावर इक्वल टू रूट अंडर एपरेंट पावर स्क्वायर माइनस एक्टिव पावर, ठीक है। पावर स्क्वायर माइनस एक्टिव, एक्टिव पावर स्क्वायर। तो कितना दिया हुआ है? 5 KVA किलो वोल्ट एम्पीयर, 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस सक्रिय शक्ति कितना दिया हुआ? 4 KVA किलो वाट, 4 किलो वाट और का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से 5 5 25 माइनस 4 4 16, तो आ जाएगा माइनस करने से कितना हो जाएगा? 9 9 रूट का 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 KVAR, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल धारकीय प्रतिघात एक्सी के बराबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीन कला 3 फेज 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो क्रिया जो कि एसी के फॉर्म फैक्टर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.11, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सब्सटेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 वाटमीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें। यदि 1 वाटमीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद दी जाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, W1 माइनस W2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी तीन कला 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 फेज प्रणाली में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या है? तो फेज वोल्टेज कितना है? फेज वोल्टेज दिया हुआ है, फेज वोल्टेज 240, लाइन वोल्टेज निकालना है, तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू फेज वोल्टेज, ठीक है। तो √3 का मान 1.732 इंटू फेज वोल्टेज दिया हुआ है 240,
इंटू 240, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा, 415.68, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, 415 वोल्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 415 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज शक्ति माप की दो वाटमीटर विधि में यदि एक वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.5 से कम। अगला क्वेश्चन, तीन कलर मतलब थ्री फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, किसी स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है, किस स्थिति को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, XL इक्वल टू XC,